नगर निगम की सामान्य सभा बजट के दौरान प्रश्नकाल में विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं निगम महापौर ने विशेष पंक्तियों के साथ पेश किया लाभ का बजट। दुर्ग नगर निगम की बजट सामान्य सभा मंगलवार को अपने निर्धारित समय सुबह 11 बजे बीआईटी कॉलेज दुर्ग के सभागार में प्रारंभ हुई, जिसके पहले चरण में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष अपने प्रश्नों की संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आक्रोशित नजर आए और सभापति के आसंदी के सामने बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। बजट सामान्य सभा में प्रश्नकाल का दौर राजनीतिक नारेबाजियों से गुंजायमान होते हुए राजनीतिक आड़े के रूप में दिखाई दिया, जहां पक्ष और विपक्ष नारेबाजी करते रहे। वहीं इसी बीच दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग सभापति व विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के हाथ बजट पुस्तिका देकर अपना उद्बोधन शुरू किया। तत्पश्चात कुछ शायराना अंदाज में पेश किया दुर्ग निगम के फायदे का बजट। परिषद के सम्मानित सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय वर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि तथा सभी सम्मानित निर्वाचित एवं मनोनीत पार्षदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आयुक्त श्री हरीश मंडावी उपस्थित है हमारे 2022 के सामान्य सभा में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, 15 वर्षों के अंधेरे के बाद अब प्रदेश में प्रकाश फैला है। सिर्फ दुर्ग ही नहीं, गांव-गांव में अब विकास फैला है। झूठ की राजनीति को इतिहास होते देख रहे हैं, हर बार सिर्फ चुनावी वादे देखे हैं, इस बार विकास होते देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार ने आम जनता की जेब को और सशक्त कर उस महंगाई से निपटने के लिए लगातार सक्षम बनाया है। लेकिन राजनीतिक टीका टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, शहर के समग्र विकास के लिए पक्ष विपक्ष सभी को एकजुट होकर काम करना आवश्यक है। वैसे सोच पार्टीगत ना होकर आम जनता के हितों के लिए होना चाहिए, पर क्या करें, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। वहीं शहर विधायक व महापौर के द्वारा दुर्ग नगर निगम में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों की बात करते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। आज नगर निगम दुर्ग द्वारा अपना कांग्रेस की परिषद जब से बनी है ये तीसरा बजट पेश की है। लगभग 457 करोड़ का ये बजट है, 7,15,000 लाभ का बजट है। सर्वहारा वर्ग के विकास को लेकर सभी योजनाएँ इसमें शामिल की गई है। बहुत सी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हमारे यहाँ चल रही है, बहुत बड़ी बड़े काम हो रहे हैं। शहर जो ग्रामीण परिवेश में दिखता था, अब शहरी परिवेश में दिखने लगेगा। नेहरू नगर से मिनी माता से अंजोरा, धमदा रोड, गौरवपथ रोड, शिवनाथ नदी मुक्ति धाम रोड, थगड़ा बांध, लोक कला मार्ग, ऐसे बहुत से कार्य हमारी परिषद द्वारा किया जा रहा है। अमृत मिशन फेस टू के लिए भी हमने प्रपोजल भेजा है। 15वें वित्त में जो शहर के चौक चौराहे सुंदरीकरण, पॉल्यूशन फ्री करने की जो योजना है, जो प्योर ब्लॉक लगाने की मुख्य मुख्य मार्गों में लगाने की योजना है, ये सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। और प्रमुख रूप से जो हम लोगों ने अभी शहर की जनता की ओर ध्यान में रखते हुए ई चार्जिंग स्टेशन हम लोग बनाएंगे, जो शहर के ई रिक्शा को देखते हुए हमारे बस स्टैंड में हम वाईफाई जोन रखेंगे। महापौर गुमटी योजना लागू की है हमने, और सी मार्ट खोले जाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सीधे जनता के लाभ पहुंचाने के लिए इसमें लाई है। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र लगातार विकास के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है। जैसे अधोसंरचना में भी अभी लगभग शहर के अंदरूनी रोडों के लिए भी 12 करोड़ के आसपास का काम चालू है, तो आने वाले 6 महीने 1 साल में आप देखेंगे कि दुर्ग अपने आप में एक नए परिवेश में दिखेगा, और जो ग्रामीण परिवेश में दिखता था वो शहरी परिवेश में दिखने लगेगा, संभाग मुख्यालय है उसके अनुरूप दिखने लगेगा। शहर की जनता को कोई भी नया कर
इसमें नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त बोझ जनता पे नहीं आएगा। यह हमारे विधायक जी का मुख्य रूप से निर्देश था, किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगना चाहिए। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में आप देखे होंगे लक्ष्मण झूला स्वीकृत हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने स्वीकृत किया है उसको। तो ऐसा बहुत से विकास कार्य हैं जो सीधे जो पहले कभी नहीं हुए वो अब हो रहे हैं। इसी के साथ दुर्ग नगर निगम की बजट आम सभा में भोजन के अवकाश के दौरान निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा पार्षदों का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने निगम की माली स्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए निगम के भोज का बहिष्कार कर भोजन का घर से लाकर टिफिन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा कि निगम में काबिज कांग्रेस सत्ता ने निगम कर्मियों को वेतन भी निर्धारित समय पर नहीं दिया, ऐसी स्थिति में वे शाही भोज का बहिष्कार कर रहे हैं ताकि निगम के ऊपर उनके भोजन का अधिक भार ना पड़े। लंबे समय से परंपरा है भोजन की और उसमें हमारा विरोध नहीं है, किंतु जितनी माली हालत आज खराब है नगर निगम की, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, चूना ब्लीचिंग उपलब्ध नहीं है, पूरा शहर गड्ढों से पटा पड़ा है, एक ट्रिप मुरुम के लिए महापौर जी को वित्तीय अधिकार नहीं है, वित्त ही नहीं तो अधिकार कैसे पालित करेंगे वो। इसलिए एक ट्रिप मुरुम की स्थिति नहीं है, आप दुर्ग शहर के सड़कों में देखिए लोग इतना धूल खा रहे हैं। इन सब के लिए हमने अपना टिफिन लाया है ताकि नगर निगम पे हम अतिरिक्त बोझ ना बन सकें। जिस दिन माली हालत ठीक होगी उस दिन भोजन कराएंगे कर लिया जाए, किंतु आज जैसी माली हालात है, आज कर्मचारियों को सैलरी इस माह में, पिछले माह में 20 तारीख को सैलरी मिली है, लोग 7,000 रुपये में जीवन यापन कैसे करते हैं उन गरीब कर्मचारियों से पूछेंगे तब ये महापौर और विधायक जानेंगे। प्लेसमेंट के कर्मचारी को मेरे 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, आज तक 1 रुपये बढ़ाया नहीं, उनके उन्नयन के लिए उनके सहायता के लिए कोई काम किया नहीं। तो इसलिए ये सांकेतिक हमारा विरोध है, हम अपना भोजन कर रहे हैं, इस पैसे को शहरित में खर्च किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।